हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं बनाने वाली हूँ कुछ मीठा। तो जी, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे, जो जो मुझे चाहिए थे। तो ये देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या ड्राई फ्रूट्स भुने हैं मैंने, और देखते हैं आज क्या बनाने वाले हूँ, क्या दिमाग में चल रहा है बनाने का। अभी पक्के से तो पता नहीं मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं। तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो जो सामान किचन में अवेलेबल है, संभव है, उसी से ही बनाऊँगी। और इधर भाभी को देख लिया फोन, और गौरी को मैंने सुला दिया है। देखो, गौरी सो के उठ गई, और अब मैं इसे लेकर चलती हूँ पापा के पास। तो इसको देऊँगी पापा को, और फिर मैं निकाल लूँगी दूध। तो जी, काम भी का ज़रूरी है, और 5:10 होगी, तो 5:30 तक दूध निकाल लेती हूँ मैं। तो इसलिए सबसे पहले मुझे पिलाना है जाके पशुओं को पानी, और फिर निकालना है दूध। तो चलो जी, अब लग जाते हैं अपने काम में। शाम का टाइम होगा, चाय पानी पी के तो अपने काम पर लग गए। तो जी, इधर मैं पहुंच गई थी नीचे गौरी को लेकर, और माँ निकाल रही थी दूध। तो माँ निकाल रही थी भैंस का दूध, और मुझे निकालना था गाय का। तो जी, माँ ने एक भैंस का तो निकाल दिया था, और कटिया को बांध दिया था। तो जी चलो, लग जाते हैं हम भी अपने काम में। और मैंने सबसे पहले पिलाना है पशुओं को पानी, क्योंकि मैंने आज पानी नहीं पिलाया था, गौरी को लेके लेट गई थी, और मुझको लेटे लेटे आ गई थी नींद। तो इधर पीयू खेल रही थी, और पीयू बोल रही थी कि मम्मी पापा को दे दो, आप जब काम कर लो। तो जी, इसको दुकान पे जाने की जिद लगी हुई थी, लेकिन इसको ना जो सामान घर पे रखा रहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वंदना ग्रैंड नमकीन बिस्कुट वगैरह, और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन वे अच्छे नहीं लगते। बच्चों को बाहर की चीज़ें ही अच्छी लगती है। पीयू की भैंस का दूध काट ली मैं। एक का काट लिया। अब दूसरी का काट ली, फिर तीसरी का कर दूंगी। लाइन लग रही है हमारी। गाय तो दूसरी भी काली वाली वहां तो खड़ी, बता तो ज्यादा खावे है। हां, इसका घास खा ली क्या? मानी नहीं तू, अब क्या दे मम्मी? मम्मी तो देखेगा जी, मैंने इसमें डाल देगा तेल और जीरा। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया, तो थोड़ा सा और लाल हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये देखो जी, हमारी जो है आलू टमाटर की सब्जी छुप के हो गई तैयार। और अब मैं कुकर देती हूँ, लगा दूँगी 2-3 सीटी, और तब तक मैं पशु को बांध के आ जाती हूँ। गाय को अंदर बांधना है, क्योंकि ठंड हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कैसा मौसम टाइम होता, और इधर पीऊ बैठी है।
देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम को मैंने काट लिया है, गोला कद्दूकस कर लिया और गोंद को भून के और फूट लिया है मैंने इसको। देखो इसका दर दरा सा पेस्ट बना लिया और ये मखाने मखाने भी मैंने मामी जी से मैं खोट दिया। और इधर हमारा जो बेसन है उसको भूनना है मुझे, तो ये देखो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, बेसन नहीं सॉरी आता। तो अब की बार मैं आटे के लड्डू बनाऊंगी, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर। तो इधर हमारी जो चाशनी है वो पकने लग रही है, तो चीनी को ही मेल्ट करना है ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। तो देखो चीनी हमारी अच्छे से घुल गई, तो इसको कर देती हूँ मैं बंद। तो तब तक चाशनी हमारी ठंडी हो जाएगी, तो इसमें मुझे आटे में थोड़ा सा घी डालना है ताकि इसकी हमारी ऐसे मुट्ठी बनने लगे। तो मिक्स कर लेती हूँ इसमें थोड़ा सा घी डाल के। तो जी सबसे पहले मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने चाशनी बनाए हैं उसमें, तो वो हल्की सी ठंडी होगी, निमाई सी रहेगी है। तो ये देखो तो इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखो जी मैंने सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लिया, पहले इस तरह करा था कोंचे से ही, तो अब हाथ से मिक्स करी और बनाने शुरू कर देती हूँ मैं लड्डू। लड्डू बनाए शुरू कर दिए, अरे गोल गोल हलवे के इन्हें बना दी हलवे के। ये देखो नगारे कोई टेस्ट नहीं है, सीरा थोड़े ही चाहिए, शुगर करना शुगर मेरी बनाई। अरे बर्फी हमारी काजू बादाम मखाने देखो कितनी बढ़िया जम रही है ना, काटनी है ना मैं मन जमा दी गोरी को ले लिया मैंने अभी बर्फी लड्डू खाना कैंसिल कर दिया, बर्फी खाओगी। देखो ये परात में रख रखे तो अभी ना डब्बे में लगाने मुझे, और ये काटने वाले हैं बर्फी, अभी ना टेस्ट कर लिए तो ये टेस्ट करके और अब काटनी शुरू कर दी उन्होंने। बिना बेसन के आटे की बना दी, आटे की तो अच्छी लगे। तो एक का कमेंट था कि तुमने तो जो गोंद के लड्डू बनाए ये इससे बनाए, बेसन से आटे आटे वाले बनाते गोंद के लड्डू, तो ये वही तो है कहीं की तरह पिज्जा कैसे कट रहा है पिज्जा।